जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप जैन धर्म की खबरों को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूर्य ग्रहण 25 को तो फिर दीपावली पूजन या निर्माण लाड़ू कैसे चढ़ाए उस दिन को। दोस्तों, अमावस तिथि सोमवार 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से प्रारंभ होकर मंगलवार 25 अक्टूबर को शाम 4:18 तक रहेगी, जबकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शाम 4:30 से देश भर में सूर्यास्त तक रहेगा। तो ऐसे में जब कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी जाती हैं, तो उस दिन निर्वाण नाड़ू या शाम काल को केवल ज्ञान कल्याण कैसे मनाया जाएगा। इस पर कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें 24 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष सम्राट पंडित गजेंद्र जैन ने इस बारे में बताया कि सूर्य ग्रहण में सूतक लगने की बात जैन धर्म में नहीं वैष्णव धर्म में जाती है, इसलिए वहां पर सूर्य ग्रहण को 12 घंटे पहले ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यानी 25 अक्टूबर मंगलवार को 4:30 शुरू होने वाले सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व यानी सुबह से ही मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैन धर्म में कभी मंदिरों के द्वार, पूजा प्रच्छल आदि बंद नहीं किए जाते हैं। इस तरह के सूतक का जैन धर्म में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दीपावली 25 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। यानी श्री वर्धमान स्वामी का 2549वां मोक्ष कल्याणक व निर्माण लाड़ू प्रातः काल में मंदिरों में तथा शाम को घरों में गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक को मनाया जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण का हमारे दीपावली मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, इसलिए उन आशंकाओं को ध्यान ना दें जिसमें कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के कारण दिवाली 25 को क्यों मना रहे हैं। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।